आप सभी भक्तों का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान का दिव्य प्राकट हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि रघुवन से लिंग अवतारा, साक्षात हरि जो अपने भक्तों के दुख को भर लेते हैं, जो अपनी सुंदरता से भक्तों के मन को भर लेते हैं, जो अपने परम प्रभाव से अपने भक्तों के दुख को भर लेते हैं, ऐसे भगवान हरि रघुवंश से लिंग अवतारा। ऐसे भगवान हरि ने रघुवंश में अवतार धारण किया। भक्तों, जब इस पृथ्वी पर भगवान आए तो इस पृथ्वी पर अनेकों वंश चल रहे थे, परंतु भगवान ने अवतार लेने के लिए रघुवंश को ही चुना। क्यों? इसका कारण बताते हुए शब्दगण कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र को अद्भुत कार्य करने थे, अनेकों लोगों का उद्धार करना था, अनेक पापियों को पवित्र करना था, प्रजा को सुखी करना था, और ऐसे कार्य रघुकुल के अनेक राजा महाराजा कर चुके थे। रघुकुल में, सूर्य कुल में अनेक राजा महाराजा ऐसे कार्य कर चुके थे। अतः ऐसे कुल में जन्म लेकर यदि भगवान कुछ अद्भुत कार्य करें तो लोग उनके ऊपर संदेह नहीं करेंगे। संदेह का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं ये लोग माने, संदेह का मतलब ये कि रघुकुल में ऐसे कार्य सब लोग कर रहे हैं, अर्थात रामचंद्र करें तो उसमें कोई प्रभुत्व नहीं है, वो भगवान नहीं है। किसी को भगवान के ऊपर संदेह ना हो कि भगवान है, सब लोग सामान्य लोगों की भांति ही रहे और मुझे अपना पुत्र ही कहे, अरे ये तो मेरा पुत्र है, अरे ये तो मेरा लाला है, अरे ये तो मेरा मित्र, अरे ये मेरा भाई है। इसलिए भगवान ने रघुवंश में अवतार धारण किया। और रघुवंश में अवतार धारण करने का दूसरा कारण, रघुवंश स्वभाव से धर्मात्मा कुल है। भक्तों, सूर्य वंश और रघुकुल के विषय में आया है। वैसे तो इस वंश का नाम था सूर्य वंश, परंतु इस वंश में जैसे रघु राजा का जन्म हुआ इस वंश का नाम बदल गया। बहुत सुंदर कथा है पुराणों में कि रघु राजा के पिता का नाम दिलीप था और उनकी पत्नी, उनकी माता का नाम सुदक्षिणा था। दिलीप और सुदक्षिणा का विवाह हुआ, लंबा समय हो गया, परंतु कोई संतान की प्राप्ति नहीं। एक दिन दोनों इंद्र की सेवा में गए थे, वापिस आ रहे थे और उनकी पत्नी को, सुदक्षिणा को कुछ काम याद आ गया। अतः वो वहां तेज गति से चले और रास्ते में कामधेनु गाय खड़ी थी, उसे प्रणाम करना भूल गए। वशिष्ठ जी के पास गए, बोले हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। बोले क्योंकि आपकी पत्नी के द्वारा एक गाय का अपमान हो गया है, एक अपराध हो गया है। अपराध क्या था? गाय को देखकर प्रणाम नहीं किया। इस संसार में भक्त को देखकर प्रणाम न करना यह भी एक अपराध ही है और बहुत ही बड़ा अपराध है। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, हंति निंदंती वै देवश्री वैष्णवानाम भिनंदती। यदि किसी वैष्णव की निंदा की जाए, यदि किसी वैष्णव को मारा जाए, यदि किसी वैष्णव को पीटा जाए, यदि किसी वैष्णव के प्रति द्वेष रखा जाए अथवा किसी वैष्णव को देखकर प्रणाम न किया जाए, यहां तक कि किसी वैष्णव को देखकर प्रसन्न न हुआ जाए, तब भी उस वैष्णव का अपराध ही माना जाता है। और गाय तो भगवान की परम भक्ता है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवतावास करते हैं, और वैसी गाय को प्रणाम नहीं करना ये बहुत बड़ा अपराध है। अतः आपकी पत्नी से गाय का अपराध हो गया है, अतः आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी।
परंतु गुरुदेव हमें पुत्र चाहिए, हमें संतान चाहिए, बिना संतान के हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों मिलकर कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी की सेवा करो, तुम्हारी पत्नी को कहो कि घर पर नंदिनी का सेवा करे और तुम नंदिनी को लेकर बाहर चला जाओ। तो कई दिनों तक सुदक्षिणा घर पर नंदिनी की सेवा करती रही और राजा दिलीप नंदिनी को लेकर जंगल में जाते रहे। एक दिन की बात, राजा दिलीप एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, गाय चल रही थी, उसी समय एक शेर दहाड़ते हुए आया और जैसे ही वो नंदिनी को खाने के लिए आगे बढ़ा, राजा दिलीप खड़े हो गए, अपने धनुष के ऊपर बाण को टान दिए, चढ़ा दिए और शेर के ऊपर तान दिए और उस समय वो शेर वहीं पर खड़ा रह गया। राजा दिलीप ने कहा ठहरो, मैं इस नंदिनी का सेवक हूं। शेर ने कहा लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है और ये गाय बछड़े ये हिरण मेरे आहार है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब राजा दिलीप ने कहा गुरु जी की आज्ञा है कि मैं इसकी सेवा करूं, यदि तुम्हें भोजन करना है तो तुम मुझे खा जाओ। एक बछड़ी की रक्षा करने के लिए, गाय की बच्ची की रक्षा करने के लिए राजा दिलीप ने अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गए। ये है सूर्यवंश, दूसरों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व दे देना, अपना प्राण तक भी दे देना, तब भी तैयार रहते हैं मुझे खा जाओ, इस नंदिनी को छोड़ दो। इतना कहकर वो राजा वहीं पर सो गए। शेर उनके पास आया और आते ही जैसे ही उसके निकट आए, आकाश से पुष्पों की बारिश हो गई। वो शेर और कोई नहीं, नंदिनी ही माया रूपी शेर का रोकड़ा। बोले राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें सफल हो गए, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम कामधेनु के दूध को लेकर जाओ और अपनी पत्नी को पिला दो, इससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाए। और अब तो ऐसे कुल में राजा दिलीप को सुदक्षिणा के पुत्र के रूप में राजा रघु का जन्म हुआ। इनकी कथाओं का श्रवण में पिछले सत्र में किया, किस प्रकार ये युद्ध करने के लिए इंद्र के धाम में गए, इंद्र से युद्ध किए, पिता के लिए अश्व को लाए और फिर किस प्रकार से इस पूरे पृथ्वी को इंद्र को दान में दे दिए। आइए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि रघुवंश में जितने भी राजा हैं, जितने भी महाराजा हुए, अपने प्राण देकर भी दूसरों की रक्षा किए। भगवान का जन्म ऐसे पवित्र कुल में होता है, तो ऐसे रघुकुल में भगवान का जन्म हुआ। कहते हैं एक बार गुरु महाराज की कथा हो रही थी विदेश में, तो एक इस विदेशी भक्त ने पूछ लिया कि महाराज जी ये जितने भी भगवान के अवतार होते हैं ये सब आपके इंडिया में ही क्यों होते हैं, कुछ अमेरिका में, कुछ न्यूजीलैंड में, इधर भी होना चाहिए, सिर्फ आपके इधर क्यों होते हैं, इंग्लैंड में भी होना चाहिए, इतना सुंदर सुंदर देश है। गुरु महाराज बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं भक्तों, कहते हैं कि देखिए भगवान का जन्म कहाँ होता है, जहाँ माता पिता भगवान की भक्ति हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दे। और आपके यहाँ कौन किसके माता है, कौन किसके पिता है तो पता ही नहीं, आज शादी हुई शादी के दिन ही तलाक के पेपर बन गए, मैरिज डे के दिन ही डाइवोर्स पेपर बन गए, कि जब डायवोर्स लेना हो यहाँ साइन कर देना। तो ऐसे कुल में भगवान का जन्म नहीं होता, तो भगवान का जन्म तो वहां होता है जहां पर पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा करें। तो कल हमने श्रवण किया भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या के हृदय घर में आ गए हैं। जैसे ही भगवान कौशल्या के हृदय घर में आए, कौशल्या जी के शरीर का तेज बढ़ गया, उनके शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा, सारी चिंता जिसके हृदय में भगवान का आगमन हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में सारी चिंता सारे शोक दूर निकल जाते हैं। और फिर वो शुभ मुहूर्त आ गया, नौमी के दिन अभिजीत मुहूर्त चैत्र मास दोपहर को 12 बजे कौशल्या ने अपने हृदय गर्भ से अपने कक्ष में भगवान को प्रकट किया। भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं,
कौशल्या जी ने भगवान श्री रामचंद्र का प्रथम दर्शन किया, प्रभु का प्राकट्य हुआ दोपहर को 12 बजे, राम का प्राकट्य दोपहर के 12 बजे और कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे। चोर को अंधेरा बड़ा प्रिय है और कृष्ण को आगे चलकर चोरी करनी थी, कुछ ऐसी ही लीला करनी थी, माखन चुराना था, गोपियों के चिट्ठी चोरी करनी थी। अतः चोर को अंधेरा पसंद है, इसलिए भगवान रात को जन्म लेंगे। और यहाँ पर श्री रामचंद्र को परम उज्जवल चरित्र करके लोगों को दिखाना है, अतः भगवान ने 12 बजे दिन के 12 बजे जन्म लिया। कहते हैं वो दिनों, जिस दिनों भगवान ने जन्म लिया चैत्र मास में, उस दिनों काफी गर्मी होती है, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो पूरे संसार का माहौल एकदम एयर कंडीशन जैसा हो गया, एयर कंडीशनर जैसा वातानुकूलित वातावरण। भगवान आने वाले हैं, पूरा वातावरण शांत हो गया, प्रभु प्रकट हुए हैं, परंतु उस कक्ष में मात्र भगवान है और कौशल्या है और कोई नहीं है। किसी को पता नहीं है कि भगवान का प्राकट्य हो गया, क्योंकि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, कोई साधारण बालक तो है नहीं कि रोते रोते जन्म ले, भगवान प्रकट हुए हैं। कौशल्या जिस कमरे में थी, उस कमरे के बाहर अनेक दास दासियां नौकर चाकर खड़े थे, परंतु किसी को पता नहीं चला कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, जन्म हो गया, क्योंकि भगवान रोते रोते जन्म नहीं हुए थे। और तब गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, भये प्रगट कृपा दीन दयाला कौशल्यायित भारी, भये प्रगट कृपा मृत्यु नहीं है, तो परमात्मा की मृत्यु कैसे हो?
संभव नहीं। भगवान को कौन मान सकता है? अतः भगवान का जन्म नहीं, मरण नहीं। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो उसे प्राकट्य कहते हैं, आविर्भाव कहते हैं, अवतरित होना कहते हैं, और जब चले जाते हैं तो उसे अप्राकट्य कहते हैं। जैसे सूर्य देव रोज सुबह उगते हैं, तो अब तो ऐसा नहीं कहते ना कि आज सूर्य देव सवेरे सवेरे जन्म लिए और शाम को 12 बजे के बाद मर गए, ऐसा कहते हैं। अगर आप मान लीजिए श्याम प्रभु बाइक से आए, बाइक लगा के अंदर आए, तो ऐसा नहीं कहते कि श्याम प्रभु का अभी भी जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे श्याम प्रभु, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं कहते। श्याम जी तो आज से 20 साल पहले से है और आज आगे रहे, वैसे ही भगवान तो पहले से है और आगे भी रहे। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का मरण नहीं होता। और इसी सिद्धांत को तुलसीदास जी ने ऐलान किया, भय प्रकट के पाना। बोले इनका गुण क्या है? बोले दीन दयाला। भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल न्यायकारी। भगवान परम दयालु है, ये दीनों के ऊपर दया करने वाले। वास्तव में भगवान जितने दयालु हैं उतने और कोई नहीं। कई बार हम लोग कहते हैं फलाने भाई बहुत दयालु है, परंतु कभी भगवान के ऊपर दृष्टि कीजिए, भगवान कितने दयालु है। कभी कभी हम हमारे ऊपर कोई थोड़ी स्वीकार कर देते हैं, हम कहते भाई कितना दयालु व्यक्ति है ये, बॉस ने हमारे ऑफिस के जो बॉस है वो कुछ उपकार कर देते, कितना दयालु बॉस है। यदि किसी से बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाला थोड़ा सा छूट दे देता है, कितना दयालु। एक मटेरियल वर्ल्ड में हमें एक छोटा सा छूट दे देता है तो हम कहते हैं कितना दयालु है, उन्हें कहते हैं थैंक यू और धन्यवाद देते हैं। परंतु विचार करो भक्तों, जिस भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन का मूल्य मालूम है? नहीं मालूम? कभी आईसीयू में किसी को भर्ती करना पड़े और जब ऑक्सीजन का बाटला खाली हो तो पता चलता है ऑक्सीजन का क्या मूल्य है। ऑक्सीजन दिया, पानी दिए, कपड़े दिए, भोजन दिए, क्या आपने कभी भगवान को थैंक यू बोला? किसी ने अभी तक बोला नहीं? आप भगवान के पास मंदिर भी नहीं जाते, कभी चले गए तो मात्र एक ही स्थिति होती है, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आए, वही भीख मांगना शुरू कर देते हैं भगवान के पास। सुख संपत्ति घर आए, बाजू वाले के घर में ना आए, बस चलो हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए भक्तों। और धन्यवाद छोड़िए, कुछ लोग तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, हम कहते हैं अरे नहीं है कैसे मानते, अरे मैं तो भगवान दिखाई नहीं देते, तो हवा भी तो नहीं दिखाई देती, इसका मतलब सांस लेना छोड़ दो। और भक्तों फिर भी जो भगवान को नहीं मानते हैं भगवान उनके ऊपर भी दयालु रहते हैं, उनके ऊपर भी दया करते, कभी कुछ नहीं करते। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस दिन से मुझे पता चला है कि भगवान दीन दयाल है, उस दिन से मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। उससे पहले बहुत टेंशन लेता था, घर कैसे चलेगा, समाज का टेंशन, पत्नी का टेंशन, बच्चे का टेंशन, लेकिन जब से पता चला है भगवान का एक नाम दीन दयाल है, उस दिन से मैंने सारी चिंता छोड़ दी। और उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरे कहाए कि जाओ कहाए, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरे ही आसरो एक मलोक नहीं कोई, मन में दूजी बसी है, हे वो मुरारी पुकारी कहूं, मेरी हसी नहीं अब तो तेरी हसी, हे प्रभु अब तो बस आपका आसरा लेकर बैठा हूं, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, संसार के लोग मुझे गाली दे, यहां तक कि संसार के लोग मुझ पर हंसे भी, तो ये मेरी हसी नहीं प्रभु, ये तो आपकी हसी, मैं सब कुछ आपको अर्पण कर दिया हूं और अब मैं निश्चिंत हूं। तो इस प्रकार भगवान कौशल्या के हृदय गर्भ से प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? कौशल्या हितकारी, कौशल्या जैसे अनेक भक्तों का हित करने के लिए, कौशल्या जैसे जितनी माताएं भगवान को अपना पुत्र मानती है उन सभी माताओं का हित करने के लिए, जितनी माताएं भगवान को अपना पुत्र मानती है उन माताओं का हित करने के लिए ब्रह्म अनंत को
कोटि के अधिपति भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हो गए, एक बालक बनकर मां को वात्सल्य प्रदान किया। मुनि मनहर भगवान जो प्रकट हुए हैं वो कैसे हैं? मन को हरने वाले। किनके मन को हरने वाले? हम तो नॉर्मल इंसान है, हमारे मन तो हरा हुआ ही रहता है हमेशा, परंतु जो मुनि होते हैं उनके मन बड़े शांत रहते हैं, अचल होते हैं उनके मन, परंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके मन भी चल हो जाते हैं और वे भी भगवान के ऊपर मोहित हो जाते हैं, भगवान उनके भी मन को हर देते हैं। हर्षित महतारी कौशल्या प्रसन्न हो गए, लोचन अभिरामा कैसा रूप है, बहुत सुंदर, जगत के समस्त जीवों के नेत्रों को आनंद देने वाली। तनु घनश्यामा, और जिस बालक का जन्म हुआ है उनका शरीर घनश्याम वर्ण का है, घने मेघ के समान है, और भक्तों अद्भुत बात बताते हुए कहते हैं, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चार। इस बालक के दो हाथ नहीं, चार चार हाथ है, और चारों हाथ में एक एक आयुध है, गदा पद्म चक्र शंख, इन आयुधों को लेकर भगवान प्रकट हो गए और शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। आज कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, उनसे पूछो कि आप क्या चिथड़ा भी लेकर हाथ में प्रकट हुए थे? नहीं, भगवान ही है। भूषण वनमाला नयन विशाला, जो वनमाला पहने हुए हमारे प्रभु को भक्तों सोना चांदी पसंद है, उन्हें से बड़ा भार लगता है, सोना चांदी इत्यादि बहुत भार लगता है, उन्हें तो वनमाला पसंद है। और जिसके नयन बहुत विशाल है, भगवान के नयन इनके कान को छूते हैं, इतने बड़े बड़े नयन रखते हैं। शोभा सिंधु करारी, शोभा के सिंधु है, सुंदरता के सागर है, और गोस्वामी जी ऐलान करते हैं खरारे खरदूषण जैसे असुरों को मारने वाले हैं, उनके वध करने वाले हैं। आज संसार में कुछ लोग सुंदर होते हैं तो उनके पास बल नहीं होता, और बल होते हैं तो सुंदरता नहीं होती, लेकिन भगवान के पास बल भी है और सुंदर है, तब भगवान पूर्ण हैं। भगवान की सुंदरता को देखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान का प्राकट हुआ, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि मणि, तब कौशल्या जी से रहा नहीं गया, बोले अरे ये तो बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। इसलिए देवी कौशल्या दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। करहु तुई कर चोरी अस्तुति तोरी, के विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत रमाना, वेद पुराण वर्णनता, करुणा सुख सागर सब गुणा, सो मनाई तेरागी जन अनुरागी, बयाउ प्रकट सीतंता, कई दुनी कर छोरी अस्तुति तोरी, कई विधि करो जोड़ने के सिवा और कर क्या सकते भगवान से। कौशल्या जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान को स्तुति करने लगे। अब कौशल्या जी भगवान की स्तुति करना चाहती है, परंतु सहसा भगवान प्रकट हुए हैं, मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा,
कौशल्या लिखा, प्रभु आप अनंत हो, के ही विधि करो अनंता। अनंत भगवान की स्तुति कौन कर सकता है? अनंत शेष जिनके अनंत मुख हैं, अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान की अनंत गुणगान गा रहे हैं, लेकिन आज तक शेष नहीं कर पाए, आज तक भगवान के गुणगान के 1% भी नहीं गा पाए, तो मैं क्या गाऊं? अगर कवि घर भी कहते हैं ना भक्तों, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, कृष्ण गुरु दिखाना चाहिए। सारी धरती को कागज करो, लेखनी सब बन राय, सारी जितनी भी पेड़ पौधे हैं ना उसकी कलम बना दो, और जितने पानी है इस जगत में उसका नीम बना दो, इंक बना दो, फिर भी कृष्ण के गुणगान को लिखना, राम के गुणगान के 1% को भी लिखना पॉसिबल नहीं। हे प्रभु आप अनंत हो, मैं इस अनंत को कैसे दूर करूं? परंतु प्रभु मैं इतना जानती हूं कि आप माया से परे हो, आप सदैव माया से मुक्त हो, आप सत्व तमो रजो गुण से परे हो, प्रभु आप शुद्ध सत्व में स्थित हो। माया गुण ज्ञान तीन तीत अमाना वेद पुराण भरंता। मानो भगवान कहे कि माता ये सब ज्ञान आपने कहां से प्राप्त कर लिया? देवी कौशल्या कहते हैं प्रभु ऐसा वेद और पुराणों में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कहते, ऐसा बाबा नहीं कहते, ऐसे बापू नहीं कहते, ऐसा वेद और पुराण में लिखा है। और जो पुराण में लिखा है तो वही सत्य है। मैं क्या कहूं, मेरी बात पर भी विश्वास मत कीजिए, कोई भी दुनिया का मनुष्य क्या कहे उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, जब तक उसके बात का सत्यापन श्रीमद् भागवत से ना हो जाए। श्रीमद् भागवतम प्रमाण मलम, भागवतम में करते थे ना डेली मंगलाचरण में श्रीमद् भागवतम प्रमाण मंगलम, ये 4 वेद और 18 पुराण जो वेद व्यास जी ने रचा है वही प्रमाण है। प्रभु ऐसा शास्त्र में लिखा है, अतः प्रभु आप करुणा के सागर हो, सभी गुणों के आगर हो, और आपके गुणों को सभी श्रुति वेद शास्त्र इत्यादि गाते रहते हैं, ऐसे परम महिमा में प्रभु आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो, आज मैं धन्य की धन्य हो गई। ब्रह्मांड निकाया मृत माया छिपा लीजिए। कौशल्या जी के हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं उस भय को दूर करने के लिए भगवान ने कौशल्या जी को ज्ञान प्रदान किया। प्रभु बोले माते मैं साक्षात भगवान हूँ, पूर्व जन्म में आप मनु और शत्रुपा थे, आपने तपस्या किया था, मैं प्रकट हुआ, आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, आपने कहा हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, मैंने कहा तथास्तु, और फिर जब मैं वापस अपने धाम में जाकर सोचा तो मुझे याद आया कि अरे इस संसार में तो मेरे जैसा कुछ ना कोई है ही नहीं, क्योंकि उपनिषद कहते हैं ये को ये और अधिवित्य भगवान जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं, और मैं मेरे वरदान से मजबूर था, अतः माते मैं स्वयं आपके पुत्र बनकर प्रकट हो गया। लेकिन अब कौशल्या कह रही है माता पुनि बोली सो मते डोली तज होता रूपा,
हे तात, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में विनंती कर रहे हूँ, आप इस रूप को त्याग दीजिए, मैं इस रूप को कैसे संभालूंगी, कैसे छुपाऊंगी, और मैं तो वात्सल्य भाव की उपासक हूँ, मुझे आपके साथ तो प्रेम करना है, इस रूप के साथ मैं कैसे प्रेम कर पाऊंगी, प्रभु मुझे तो आपको स्नान कराना है, प्रभु मुझे तो आपको भोजन कराना है, प्रभु मुझे तो आपको खाना खिलाना है, प्रभु मुझे आपके साथ खेलना है, और मैं इस विभूत के साथ कैसे खेलूंगी, कैसे इसे भोजन करा पाऊंगी। वास्तव में वो माँ धन्य है भक्तों जो भगवान को अपने पुत्र समझती है, और भक्तों इस संसार में भगवान वास्तव में इसलिए आते हैं, ये यशुओं को मारना, धर्म का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब गौण कार्य है। कहते हैं ना भगवान, यला यला विधर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः, ये सब गौण कारण है भक्तों। भगवान तो इस संसार में इसलिए प्रकट होते हैं कि संसार के लोग मुझसे प्रेम करें, मुझे अपना पुत्र समझे, मित्र समझे, अपना प्रियतम समझे। भगवान बहुत खुश होते हैं कब, जब हम भगवान का लालन पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं। इसलिए तो कहना तो बड़ा सुंदर भजन, जमुना जल मां केसर घोली, स्नान कराऊं श्याम लाल, जमुना जल मां केसर घोली, स्नान कराऊं श्याम लाल, जमुना जल समस्त नारियां भगवान को अपना पुत्र समझती थी, उनका लालन पालन करती थी, उनको स्नान कराती थी। कैसे स्नान कराती थी? अल्पे हाथों अंगो चोरी लाड़ लड़ाऊ श्याम लाल, अल्पे हाथों अंगो चोरी लाड़ लड़ाऊ श्याम लाल, जमुना जल माँ के शरीर भोली, स्नान कराऊं श्याम। पांच सुंदर भाव होता था भक्तों, हल्के हाथ से कहीं मेरे लाला को चोट ना आ जाए, कहीं मेरे लाला को खरोच ना आ जाए, इसलिए नरम हाथों से बड़े प्रेम से उनको स्नान कराऊंगी, यमुना के जल में केसर युक्त सुगंधित जल में बहुत नरम हाथों से उनको स्नान कराऊंगी, जिससे उनको चोट ना आ जाए। भारत वर्ष में एक दिन ऐसा था भक्तों, समस्त भक्तगण भगवान को साधारण मूर्ति नहीं समझते थे, साक्षात भगवान के स्वरूप को, भगवान के मूर्ति को, भगवान का स्वरूप समझते थे। वस्त्रो अंगो लूचियापो पिलु पीतांबर श्याम करें, इस ऐश्वर्यमयी रूप को त्याग दीजिए और बालक बन जाइए, ताकि मैं आपका लालन पालन कर सकूं। जैसे ही ये वचन सुने, सुनी भजन सुजाना रोदन उठाना, प्रभु बोले, माता
मेरा तो रूप यही है, बालक कैसे बन जाऊं, मुझे तो पता भी नहीं बालक कैसे होती, आप बताओ क्या करूं। तो शल्या बोले पहले ना एक चतुर्भुज जो रूप है ना आपका, इसे तो त्यागो, पहले एक चतुर्भुज त्यागो और दो भुजा में आ जाओ। भगवान ने चतुर्भुज त्याग दिया तो भुजा में आ गए। अब बोले आप इतने बड़े जो हो रहे हो ना, इतने बड़े छत को छू रहे हैं, अभी छोटे हो जाओ, विभू रूप मत दिखाओ, छोटा रूप बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बोले मेरे माता अब क्या करो। बोले अब रोने लगो, सुनी वचन सुझाना रोन रखाना, अपने भक्ति की इच्छा को जानकर तुरंत चतुर्भुजधारी भगवान द्विभुज हो गए, छोटे से बालक बनकर जोर जोर से रोने लगे। अपने भक्ति की अनुग्रह से भगवान भी बालक बन गए, रोने लगे और कौशल्या जी ने कहा प्रभु आप मुझे इस स्वरूप की स्मृति दे दीजिए ताकि मैं आपको फिर कभी भगवान ना समझूं। और प्रभु ने इस रूप को मिटा दिया और सभी राशियों को पता चला लाला का जन्म हुआ है। हर्षित जतन धै राशि नानन मगन सकल पुरवासी। और बाहर जितनी भी दासियां थी सभी दासियां तोड़ते हुए कौशल्या जी के कक्ष में आई और कौशल्या जी के कक्ष में आकर देखा तो एक अद्भुत बालक का जन्म हो गया। और सभी दासियों में होड़ लग गई कि ये बात सबसे पहले महाराज दशरथ को कौन बताएगा। सब लोग दौड़ते हुए गए, राजा दशरथ के पास गए और बोले महाराज आपकी बड़ी पत्नी कौशल्या जी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। मेरे जी राजा दशरथ सुने बोले मेरे जीवन का इतना लंबा समय बीत गया और आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, ये सुनकर राजा दशरथ नाचने लगे, दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास गए। गोस्वामी जी लिखते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुमिताना मान हूं ब्रह्मानंद समाना परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। राजा दशरथ परम आनंद में नाचने लगे, आज मेरे घर पर चार पुत्र का जन्म हुआ है। इतनी में दूसरी रानी आई और महाराज केकई ने भी एक बालक को जन्म दिया है, तब तक दूसरी दासी महाराज सुमित्रा ने भी दो दो बालक को जन्म दिया है, आज मेरे घर में चार चार पुत्र की प्राप्ति हुई है। राजा दशरथ ने कहा ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, बाजे बजाओ, गायों का दान करो। ब्रह्म प्रसन्न और राजा प्रसन्नचित होकर राजा दशरथ भगवान को शरण करने लगे। और राजा दशरथ जी ने मन में यह विचार आया कि आज जिस भगवान का नाम लेकर पूरे संसार का उद्धार हो जाता है वह भगवान महेश्वर आज मेरा पुत्र बनकर मेरे घर पर जन्म लिया है। आइए कथा तो और भी है लेकिन आज की कथा को हम विराम देंगे। आइए कुछ देर हम भगवान की स्तुति करें तत्पश्चात आज की कथा को विराम देंगे। आने वाले दिनों की कथा में भगवान का नाम ग्रहण संस्कार, अज्ञोपवीत संस्कार, भगवान को भोजन कराना, भगवान खेलने जाने की लीला, अन्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। तत्पश्चात विश्वामित्र जी के साथ गमन, भगवान का सुंदर विवाह, दिव्य विवाह का श्रवण करेंगे। आइए तब तक हम कुछ क्षण के लिए भगवान का स्तुति करें। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
जय जय